और जब हम उसे वेव नेचर की तरह देखते हैं तो ये ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स को हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। सो ये चैप्टर में हम वेव ऑप्टिक्स की ये सब जो फिनोमेना है वही पढ़ने वाले हैं। वही आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, डाइफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में। तो ये सब चीजें चैप्टर में आगे आएगी। आगे बढ़ते हैं। इन 11th स्टैंडर्ड यहाँ पे है, वी हैव लर्न्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन विच सजेस्टेड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज ऑल वेव्स नोन टिल मैक्सवेल्स टाइम नीडेड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। मैक्सवेल इन्वोक द ऑल परवेडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स एंड देयर स्पीड बीइंग सेम एज दैट ऑफ विजिबल लाइट वेर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय हर्ट्ज। तो ये पूरे पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल स्किप दिस पैराग्राफ फॉर नाउ बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट द प्रीवियस डिस्कवरीज विच वी ऑलरेडी स्टडी। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो जैसे कि आइंस्टाइन ने ऑलरेडी प्रूफ किया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। सो ये है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी इट वॉज एक्सेप्टेड दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। इट कैन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं लाइट एज अ वेव। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। देखिए, दो तरीके के वेव होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। तो जब वो ऑसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में जो पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं तो तब उन्हें ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन एंड कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटीरियल मीडियम वी डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1 एंड दैट ऑफ द एयर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमें समझना है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम वी से डिफाइन करता है, वी से डिफाइन करते हैं, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, जो किस पे डिपेंड करता है? परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। और ये परमिएबिलिटी और परमिटिविटी क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है वो मटीरियल पे डिपेंड करता है। ये एक फीचर है मटीरियल का, जैसे विस्कोसिटी होता है, जैसे हार्डनेस होता है, वैसे ये भी एक फीचर है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव, जो वापस अगर हम कंक्लूड करें तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी पे। और ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे लाइट एज अ वेव यहाँ तक। तो आपको ओवरऑल जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है वो कॉपी करना है, और उसके अलावा यहाँ पे जो कॉर्पुलर थियोरी है तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पस्कुलर थियोरी पे आपको 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट होगा। और उसके अलावा कुछ करना नहीं है। तो आपको दो क्वेश्चन करने हैं, पहला जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पस्कुलर थियोरी एंड प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, रीड इट वंस प्रॉपरली टिल जहां तक मैंने करवाया है। ओके, थैंक यू।